सभी भाइयों को ट्रांसपोर्ट लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदित सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि कैसे जो है भाइयों बारिश हुई है और कैसे जो हमारे देश के हाईवे है टूट चुके हैं, नए नए हाईवे बने हैं, नितिन गडकरी की ये पोल भी खोलने वाले हाईवे हैं। क्योंकि भाइयों जो आज हम बताने जा रहे हैं, जो कि भोपाल से जो मंडीदीप की तरफ जो अपना नागपुर की तरफ रास्ता जाता है, बीच में ये हाईवे धस चुका है। करीब 1 से 1.5 साल ही इस हाईवे को बने हुए हुआ है और कैसे जो अंग्रेजों के टाइम के अभी तक पुल नहीं टूटे, लेकिन जो 1 साल में हम पुल तैयार करते हैं कैसे वो टूट जाते हैं। देखिए पहले ये मंडीदीप हाईवे की ये खबर। कलियासोत मंडीदीप, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कैसे जो है भाइयों बारिश हुई है और जो हाईवे है वो भी टूट चुका है। और उसके बाद भाइयों अभी आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बॉर्डरों के ऊपर चलने वाले भ्रष्टाचार की, कि कैसे लगातार जो भ्रष्टाचार दबाकर चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम बताएंगे जो बड़ौदा से इंदौर की तरफ रास्ता आता है, यहाँ के बीच में एक गुजरात का बॉर्डर है जहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। जैसे ही आप MP की तरफ एंटर करते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें कतारें बना रखी है, लेकिन वो लाइनों में 3 लाइनों को खोला जाता है, करीब 10 लाइनें हैं। उसके बाद ट्रक ड्राइवरों का वहाँ पर खून चूसा जाता है, डीजल की बर्बादी होती है, टाइम की बर्बादी होती है। तो हमारे को जो ट्रक चालक ने वहाँ से वीडियो भेजा वो भी देखिए। MP RTO बॉर्डर नाम मात्र, कोई इस पर जो है ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, हल्का ट्रैफिक है। 10 लाइन 7 लाइन होने के बावजूद भी यहाँ ये लोग जाम लगवाते हैं, घंटों घंटों यहाँ गाड़ी खड़ी रहती हैं। इनका 100-200 रुपए का तेल फूकता है एक गाड़ी का। अंदर जाके जो अधिकारी बैठे हैं 500 रुपये 1000 रुपये एक गाड़ी से चार्ज करते हैं, किसी किसी गाड़ी से 1500 भी 3000 भी 5000 भी जैसा मौका लगता है। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं और क्या है सर, किसी को कुछ नहीं दिखता। यहीं पास में गुजरात का बॉर्डर है, उसको कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं होता। पता नहीं है MP के बॉर्डर पे ऐसा क्या होता, क्यों किसी को नहीं दिखता ये हमारे, क्या हम तो ड्राइवर लोग हैं, चलो जाएंगे, पर बड़े आदमी को तो देखना चाहिए ये चीज़। मिलते हैं बाद में। जी हाँ, आपने दोनों खबरों में देखा होगा मध्य प्रदेश के क्या हाल है। और यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं नितिन गडकरी जी, बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बंद किया जाए, लेकिन आपके सामने है जैसे कोई बातचीत करनी होती कि फ़ोन पे, हाँ जी आप भ्रष्टाचार बंद कर दो, लेकिन BJP की सरकार है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार है कि हाँ नितिन गडकरी की कोई सुन नहीं रहा, BJP की सरकार है। क्योंकि यहाँ से जो है तमाम चेक पोस्टों से करोड़ों रुपये वसूली का हर महीने जाता है, और इसी वजह से ये बॉर्डर जो बंद नहीं हो रहे। शिवराज सिंह चौहान कानों पर हाथ रख के जो है चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि लोग जब तक इकट्ठा नहीं होते जब तक ये भाइयों बॉर्डर नहीं बंद होंगे। इसी तरह से आप लोगों का क्या कहना है दोनों खबरों के बारे, कैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार दबाकर चल रहा है। तो इसी तरह से अगर हमारा काम अच्छा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटनदबाएं, इसी तरह से हम देश में लगातार आपको खबरें दिखाते हैं। अगर आपके पास भी घटना का वीडियो दिए गए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो बनाकर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।